हैं भारत के मुख्य तापीय विद्युत संयंत्र की। पहला है विंध्याचल तापीय विद्युत संयंत्र। ये लोकेटेड कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में लोकेटेड है। ठीक है, क्षमता के आधार पर ये भारत का सबसे बड़ा तापीय विद्युत संयंत्र है। इसकी क्षमता कितनी है? 4760 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, इसको रूस की सहायता से बनाया गया था। इसको कोयला आपूर्ति कहां से होती है? इसको मध्य प्रदेश एवं झारखंड द्वारा कोयला की आपूर्ति होती है। इसको जल आपूर्ति कहां होती है? देखिए, दो सिंगरौली है, एक सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और एक सिंगरौली जो है वो उत्तर प्रदेश में है। जो उत्तर प्रदेश का सिंगरौली है वहां पर भी एक थर्मल पावर प्लांट है जिसका नाम है सुपर पावर थर्मल पावर प्लांट। वो अपने लिए जिस पानी का इस्तेमाल करता है उसका डिस्चार्ज पानी इस थर्मल पावर प्लांट को मिलता है। उसका डिस्चार्ज पानी जो विंध्याचल तापीय विद्युत संयंत्र है मध्य प्रदेश वाला, वो उसका इस्तेमाल करता है अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें इसके संचालन की, तो इसका संचालन एनटीपीसी करता है। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन।